व्हीकल रिलीज हुआ है हमारे भीमा शंकर बिलगुंदी साहब का जो है नया टोयोटा शोरूम है और हमारे संतोष बिलगुंदी जी इनके ओनर है, यहाँ पे एक नया मॉडल व्हीकल रिलीज हो रहा है, वो अर्बन क्रूजर हाई राइडर। ये जो हाइब्रिड व्हीकल है ये पेट्रोल एंड बैटरी पे चलने वाला ये बहुत ही शानदार व्हीकल आज ये दिखने में आ रहा है और डेफिनेटली ये सिटीज़ के लिए पेट्रोल एंड बैटरी, इट रन्स ऑन पेट्रोल एंड बैटरी एंड इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, 28 माइलेज इसका एक किया गया है। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये जो सिटीज़ के लिए प्रोबेबली दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल ऑन द रोड, क्योंकि ये टेक्निकली साउंड व्हीकल है और ये फ्यूल एफिशिएंसी भी है और ये बहुत बेहतरीन लुक है जो अंदर जो ये जो लेदर टच दिया गया है एंड दिस इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स इन ऑन इंडियन रोड इन अर्बन एरिया के लिए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ संतोष बिलगुंदी जी को और भीमा शंकर बिलगुंदी जी को कि यहाँ पे जो ये टोयोटा शोरूम है ये बहुत अच्छी तरह मेंटेन्ड है और यहाँ पे गुलबर्गा के शहर के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा है। नहीं तो हम टोयोटा व्हीकल ख़रीदना है तो हमको हैदराबाद जाना पड़ता था, नहीं तो हुबली जाना पड़ता था, नहीं तो बेंगलुरु जाना पड़ता था। यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे उन्होंने एक सुविधा दी है, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और लोगों के लिए जो नए कार ख़रीदना चाहते हैं स्पेशली सिटीज़ के लिए और यंगस्टर्स के लिए ये अर्बन ये जो हाई राइडर है ये अर्बन क्रूजर हाई राइडर ये हाइब्रिड व्हीकल जो है इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स, दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। ओके सर, अंदर आपको जब आप बैठे हो कार में तो कंफर्ट कैसा लग रहा है? यहाँ दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल व्हीकल एंड कोजी है, इट्स इट द फिनिश इज़ वेरी गुड एंड यू सी दिस इज ऑल फ्यू न्यू फीचर्स है इसमें। सर इसमें सनरूफ भी दिया गया है, आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज अ वेरी गुड व्हीकल। आज कर्नाटक में एक अर्बन क्रूजर हाई राइडर लॉन्च हुआ है, ये दुनिया के अंदर पूरा दुनिया इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है ये डेट को। अब हमारा क्या बोलने का मकसद है बोलो तो आज के दिन डीजल पेट्रोल के लिए ज़्यादा ये पैसा जा रहा है बोल के क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है ज़्यादा हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आ रहे हैं फोकस करें, बट वन थिंग दे आर नॉट डूइंग प्रॉपरली बिकॉज हाइब्रिड व्हीकल बोले तो क्या होता है ना, पेट्रोल और डीजल में पेट्रोल और बैटरी में चलता है, उसको कम करना था टैक्स, कम नहीं करे। एक्चुअली दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या है ना देश का बजट के अंदर ये कम हुआ तो क्या होता ना इजी हो जाता है, मगर कम नहीं करे, खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल को करे। मगर आज के दिन में ये ऐसे व्हीकल्स और कहीं आएंगे और नेक्स्ट ईयर भी आएंगे, ये नया नया मॉडल्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आएंगे। मगर नेक्स्ट इवेंट के अंदर मैं बोलना चाह रहा हूँ ऑल कॉम्पिटेटिव व्हीकल्स विद गुड फीचर्स एंड एवरीथिंग दे विल कम, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया इज कन्वर्टिंग इनटू फ्रॉम पेट्रोल टू हाइब्रिड टू इलेक्ट्रिकल। वन इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड जाने के बाद हमारा देश के अंदर उसको क्या है ना जीएसटी ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे पब्लिक को क्या है ना जीएसटी क्या है ना 52% मिल रहा है और इसको क्या है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल को 6% मिल रहा है। ये चीज़ें क्या है ना ध्यान में रख के मैं और इवन एवरी पब्लिक ऑफ इंडिया शुड रेज दिस पॉइंट एंड यू मस्ट हैव द फैसिलिटी फॉर दिस। थैंक यू।